हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी के हर एक एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा ही, साथ ही एक जबरदस्त टाइम टेबल भी शेयर करने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी में हम एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बारीक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बेस्ट बुक, फोकस सेक्शन, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज, प्रिपरेशन करने का जबरदस्त तरीका, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रिविजन की स्ट्रेटजी, नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी, सारी चीजें एकदम डिटेल से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ना तो आपने कभी देखी होगी, ना ही सुनी होगी और शायद ना ही फ्यूचर में आप देखने वाले हो। तो दोस्तों, अगर आपको जल्दी से जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रैपिड गवर्नमेंट जॉब उठानी है तो इस स्ट्रेटजी को थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो आप हर एक एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए ये चार सेक्शंस आपको कवर करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। बस डिफरेंस इतना होता है कि एग्जाम वाइज क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, यानी कि कुछ एग्जाम में 20-20 क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के, कुछ एग्जाम में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अब एसएससी के एग्जाम पैटर्न में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। साथ ही एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के लेवल में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि अगर 10th लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो रहता है, साथ ही अगर 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, और एग्जाम वाइज टॉपिक्स में भी डिफरेंशिएट रहता है। जैसे कि एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी का एग्जाम है तो उसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कम रहेंगे इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल। तो ये डाउट तो आपका सिलेबस देख के क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, एसएससी के सभी एग्जाम्स में से इकलौता ऐसा एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर का है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल या फिर सीएपीएफ एसआई मतलब सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस हवलदार, कांस्टेबल जीडी, स्टेनोग्राफर या फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए एकदम कारगर साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी हमारी 120 डेज के लिए है, यानी कि आने वाले जो 120 डेज है, मतलब आने वाले जो 4 मंथ्स हैं, उनको आपको टारगेट कर लेना है और डेडिकेशन के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। और फ्रेंड्स, 120 दिन तक डेली आपको 8 आवर प्रिपरेशन को देना है, इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि अगर आपका गोल है हाईएस्ट पेइंग रैपिड गवर्नमेंट जॉब उठाना तो डेली 8 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को देना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप 120 दिन तक डेली 8 घंटा प्रिपरेशन कर रहे हो तो टोटल आप 960 घंटा प्रिपरेशन कर लोगे, जिसके बाद एक जबरदस्त आउटपुट निकल के आएगी और रिजल्ट्स डेफिनेटली चौंकाने वाले होंगे। और दोस्तों, अगर देखा जाए अब से एसएससी 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए 4 महीने से काफी ज्यादा टाइम है, तो फिर 2023 के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर लीजिए और धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम में झंडे गाड़ के आने हैं। और दोस्तों, मैंने आपको एसएससी एग्जाम्स का कंप्लीट डिटेल सिलेबस एग्जाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो फ्रेंड्स ये आप डिटेल सिलेबस देख रहे हैं ये एग्जाम वाइज है, यानी कि सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल का डिटेल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इसमें एसएससी सीपीओ एसआई का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस का सिलेबस दे रखा है। तो आप इस डिटेल सिलेबस को वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से इजीली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि किस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में, यानी कि अगर आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में झंडे गाड़ने हैं तो कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 7 मेजर सेक्शंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा करंट अफेयर है। एसएससी के हर एक एग्जाम में करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं, और मोस्टली ये
नोटिस किया गया कि एसएससी एग्जाम में लास्ट 18 मंथ्स यानी कि लास्ट डेढ़ साल के करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर को आपको फुल इज्जत देनी पड़ेगी, पूरी इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी, इसको एक अलग सेक्शन एक अलग सब्जेक्ट मान के प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आप एसएससी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। सेकंड सेक्शन है जनरल साइंस। हर एक एग्जाम में जनरल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में देखे गए हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल उठा लो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीयू एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो जनरल साइंस को भी फुल इज्जत देनी पड़ेगी जहां पर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस पढ़नी होती है। साथ ही स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, अगर आप स्टैटिक जीके के ऊपर स्पेशली फोकस करो तो 7 से 8 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के अंदर डायरेक्टली आपको स्टैटिक जीके से फंस जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस पढ़ लेते हैं लेकिन स्टैटिक जीके को अलग से फोकस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेटिव टॉपिक है जो कि स्टैटिक जीके कहलाते हैं और जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक है स्टैटिक जीके के जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल से आपको बताऊंगा, वेट करिए। नेक्स्ट है भाई इंग्लिश का वोकैबुलरी। हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में एसएससी के वोकैबुलरी अकेला ही 10 से 12 क्वेश्चन होल्ड करता है और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में तो मैक्सिमम क्वेश्चन वोकैबुलरी से देखने को मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एसएससी के हर एक एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन का 50% पार्ट अकेला वोकैबुलरी ही होल्ड करता है, इसलिए वोकैबुलरी को भी आपको फुल इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी, इसको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एसएससी एग्जाम्स के लिए वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा भाई एडवांस मैथ, जैसे कि सीजीएल एग्जाम हो गया, सीएचएसएल एग्जाम हो गया, सीपीओ के एग्जाम हो गया, इन एग्जाम्स में एडवांस मैथ का एक बड़ा सेक्शन आपको देखने को मिलता है, इसलिए अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एडवांस मैथ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश सेक्शन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन से हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपको एक पैसेज मिले या फिर आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है। काफी सारे लोग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन सोल्व तो कर लेते हैं लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अगर आप इसके ऊपर स्पेशली फोकस करो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस करके जाओ तो आप चुटकियों में 5 के 5 क्वेश्चन सही करके आओगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। साथ ही रीजनिंग का एक पोर्शन है नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को उलझा लेते हैं, अगर इनके ऊपर फोकस किया जाए तो एग्जाम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। तो चलिए एक बार सेक्शन वाइज टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लेते कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर, लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप 2023 के किसी भी एसएससी एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बेसिकली कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, जैसे कि बजट 2023-2024 के ऊपर फोकस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, अपॉइंटमेंट्स यानी कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है ना 2022 में 2023 में वो सभी फोकस कर डालिए, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते, ग्लोबल इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी अवार्ड्स अनाउंस हुए या फिर दिए गए हैं वो फोकस करने पड़ेंगे, चाहे वो खेल अवार्ड हो या फिर फिल्म के क्षेत्र का अवार्ड हो, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपको ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, टूर्नामेंट्स ट्रॉफी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स और ऑथर जितनी भी 2022-2023 में लिखी गई सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनेशनल समिट्स यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं, चाहे क्वाड सम्मेलन हुआ हो आपका, G20 हो, ब्रिक्स सम्मेलन हो, संघाई सम्मेलन हो, G7 हो, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, लेटेस्ट स्कीम जितनी भी स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर स्कीम बनाई गई है, योजनाएं बनाई गई हैं, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है हाल ही में उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई करंट अफेयर के कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेकंड है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के वो कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको फोकस करने पड़ेंगे, जैसे कि फोक डांसेस है, हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में फोक डांसेस लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, फेस्टिवल महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बुक्स और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है वो आपको रखनी पड़ेगी, साथ ही हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनकी लोकेशन पूछी जाती है, सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का इंपोर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल अमेंडमेंट्स मोन्यूमेंट्स और टेम्पल नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उनकी लोकेशन पूछी जाती है, रिवर लेक डैम फर्स्ट इन इंडिया बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, फाउंडर ऑफ डाइन सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, पीएच वैल्यू जनरल साइंस के अंदर पूछी जाती है, एसआई यूनिट्स विटामिन और डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक जीके के अंदर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ते ही हो लेकिन इन टॉपिक्स को अगर आप अलग से फोकस करते हो तो
बात बन जाएगी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये वाला सेक्शन 8 से 9 क्वेश्चन अकेला होल्ड करता है, ज्यादा ही क्वेश्चन होल्ड करता है। क्लियर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वोकैबुलरी में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। मेजरली हर एक एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, या फिर स्टेनोग्राफर हो, या फिर आपका सीएचएल हो, कॉन्स्टेबल, जीडीएमटीएस, दो तीन क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखने को मिलते हैं। एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फेज, स्पेलिंग टेस्ट, ये 5 टॉपिक हमारे 10 से 12 क्वेश्चन होल्ड कर दिया। वोकैबुलरी कैसे पढ़नी है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन वोकैबुलरी में ये 5 चीजें आपको पढ़नी होती हैं। एडवांस में सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एडवांस में फोकस करना पड़ेगा। नॉन वर्बल में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग सोल्व तो कर लेते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस अभी से करो। फिगरल क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग है, काफी सारे लोग गलत करके आ जाता है। फिगर एम्बेडेड या फिर एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही वर्बल रीजनिंग का एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, कथन निष्कर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी सारे लोग गलत क्वेश्चन करके आते हैं, इसलिए रीजनिंग इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। क्लियर है? तो ये 7 सेक्शंस हैं जिनको आपको फुल इज्जत देनी पड़ती है एसएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक बार बुक्स के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंस बुक या फिर बेस्ट बुक, यानी कि एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भैया कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें सब्जेक्ट वाइज, जो सबसे बेस्ट है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक रिकमेंड करिए। तो आज आपको सब्जेक्ट वाइज इतनी जबरदस्त बुक्स के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप इन बुक से प्रिपरेशन करते हो ना तो फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं आपको 5 सेक्शंस के लिए बुक रिकमेंड करूंगा, जिसमें क्वांट्स के लिए आपको कुछ अलग बुक रिकमेंड करूंगा, जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ अलग से बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश के लिए अलग से करूंगा, रीजनिंग के लिए अलग से बताऊंगा, साथ ही मॉक कहां से लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है अगर एसएससी एग्जाम क्रैक करना है तो मॉक टेस्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बुक अवेलेबल है जो कि आपको एसएससी के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन प्रोवाइड कराती है। टॉपिक वाइज भी सभी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस टाइप वाइज भी होते हैं, साथ ही सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो इस टाइप की बुक सबसे बेस्ट कौन सी होगी? तो इस टाइप की एक सबसे बेस्ट बुक आती है किरण पब्लिकेशन। इस बुक के अंदर लास्ट 20 ईयर्स में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस इंक्लूड किए विद सॉल्यूशन। इस बुक की खास बात यह है कि ये बुक चैप्टर वाइज तो है, साथ ही ये क्वेश्चन टाइप वाइज भी है, यानी कि परसेंटेज से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस टाइप वाइज डिवाइड किए हुए, यानी कि परसेंटेज के अंदर 12-14 टाइप के जो क्वेश्चंस है टाइप वाइज क्वेश्चंस मेंशन कर रखे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये स्पेसिफिकेशन आपको किसी और बुक के अंदर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के लिए केवल इस सिंगल बुक से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है? समझ आ गई? जितनी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश एडिशन में, वहां से आप परचेज करके अपने घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए केवल एक सिंगल बुक की आपको जरूरत है, बता चुका हूं बुक का नेचर। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की आपके पास एक थ्योरेटिकल बुक होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल बुक होनी चाहिए, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ थ्योरेटिकल दे रखा हो। मैं आपको बताऊंगा कौन से, साथ ही प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन वाली बुक भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको क्वांट्स के लिए बताया। सबसे पहले थ्योरेटिकल किस टाइप की? इस टाइप की, जैसे कि ल्यूसेंट की बुक आती है, सब कुछ टॉपिक वाइज स्टोरी की तरह दे रखा है, थ्योरेटिकल दे रखा है, आप खुद पढ़ के अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारी खुद की वे टू सक्सेस की भी एक बुक आती है। ठीक है, एक बुक तो आपके पास ऐसी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की होनी जरूरी है आपके पास। दूसरी मैंने आपको बताई प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए अगेन मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट 20 साल के एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इस बुक के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, विद डिटेल सॉल्यूशन आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टाइप की और भी काफी सारी बुक आती है, एक घटना चक्र की आती है, राकेश यादव की आती है, उन बुक्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उन बुक्स की भी सेम स्पेसिफिकेशन है। तो भाई एक ऐसी बुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि
इससे आपको पता चलता है कि एसएससी के एग्जाम का लेवल क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुका है। तो एक बुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए। साथ ही जनरल अवेयरनेस की एक और बुक आपको रिकमेंड करूंगा, वे टू सक्सेस सामान्य अध्ययन बुक। ये हमारी एक बुक आती है वे टू सक्सेस की, हमारी खुद सामान्य अध्ययन के नाम से, इसको हम क्रांतिकारी बुक भी बोलते हैं। इस बुक की स्पेसिफिकेशन यह है कि 2020-21-22 में जो डिफरेंट एग्जाम हुए, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, DSSSB का कोई भी एग्जाम हो, SSC का आपका कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज मेंशन कर रखे विद सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक वाइज नहीं है, जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग मिक्स क्वेश्चन दे रखे, यानी कि सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो इस बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा, इस टाइप की बुक आपको मार्केट के अंदर कोई और मिलेगी नहीं, ये वन एंड ओनली बुक है। क्लियर है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जी समझ गए, तीन बुक आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको दो बुक रिकमेंड करूंगा, एक तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको जीएस की बताई, जैसे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल इस टाइप की जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियर करा दे, जैसे कि एक अरिहंत SP बक्सी आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है SSC एग्जाम के लिए। एक नीतू सिंह मैम वाली बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ल्यूसेंट की बुक भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा SP बक्सी वाली बुक इंग्लिश के, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। साथ ही प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन होनी चाहिए, यानी कि फिर अगेन मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड करूंगा, जिसमें लास्ट 20 साल में SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे क्वेश्चंस इंक्लूड है विद सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस टाइप वाइज इंक्लूड है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टाइप की बुक भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि SSC एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपके पास होना ही चाहिए। बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी टॉपिक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो भाई रीजनिंग की प्रिपरेशन करते टाइम आपका टास्क ये रहना चाहिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज जितने ज्यादा हो सके उतने डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एक ही टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बार-बार प्रैक्टिस करके काम नहीं चलेगा, इसलिए रीजनिंग के लिए आपको मल्टीपल बुक लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने अरिहंत की कोई बुक पढ़ लिया रीजनिंग की, तो दूसरी बुक ले आइए, दूसरी पढ़ लिया तो तीसरी बुक ले आइए। स्टेबल मत रहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, नए क्वेश्चंस की खोज करते रहिए, नए क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते रहिए। तो रीजनिंग के लिए कोई एक बुक इनफ नहीं रहेगी, रीजनिंग के लिए आपको बुक स्विच करती रहनी पड़ेगी। ऐसे ही मॉक टेस्ट, भाई मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप SSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम मॉक टेस्ट लगाना अवॉइड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने लिखा है एग्जाम ओरिएंटेड 50 मॉक टेस्ट सीरीज। मान के चलिए फ्रेंड्स आपने गोल बना लिया है कि जो 2023 SSC CGL की वैकेंसी आ रही है उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है। तो आपको कोई 50 या फिर 60 या फिर 30 मॉक टेस्ट सीरीज वाली बुक परचेज करनी पड़ेगी, एक प्रैक्टिस वर्कबुक परचेज करनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे कि ये देखिए CGL के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज आती है जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं, यानी कि एक ही बुक है और इसके अंदर 50 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं, यानी कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा पाओगे। और यार कोशिश करिएगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने के, क्योंकि इसके अपने कुछ बेनिफिट होते हैं। इसमें आपको डिटेल हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है, जब चाहे आप दोबारा से उठा के उसको सोल्व कर सकते हो, नोट्स वगैरह अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर शिफ्ट होने की। तो देखिए ऐसे आपको परचेज कर लें, जरूरी नहीं कि अरिहंत का कोई भी हो सकता है, जिसमें कम से कम 40-50 मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी हो वो बुक परचेज करिएगा। और ऑनलाइन से ऑफलाइन आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, एक ही बुक के अंदर 50 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे मान के चलिए आप CHSL के लिए तैयारी कर रहे हो, तो CHSL के लिए भी ऐसे ही मॉक टेस्ट आते हैं। मेरे हाथ में देखिए इसके अंदर 30 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं, यानी कि एक ही बुक के अंदर 30 प्रैक्टिस सेट CHSL के दे रखे हैं। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CGL की कर रहे हो, CHSL की कर रहे हो, CPO की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, या फिर स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, कांस्टेबल GD की कर रहे हो, तो उसी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा, जिसमें कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट ले रहे हूं। अब मॉक टेस्ट लगाने कैसे है, कब कब लगाने है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो भाई बेस्ट बुक इंपॉर्टेंट बुक का फंडा समझ गए। जितनी बुक्स रिकमेंड करी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल की, यानी कि जो मैंने आपको बुक्स बताई उनसे पढ़ना कैसे है,
कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये अच्छे से समझेंगे। शुरुआत में मैंने आपको बताया आने वाले 120 दिन, आने वाले 4 मंथ्स को टारगेट करना है और डेली 8 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को देना है। अब दिन में 8 घंटा पढ़ना किस तरीके से है, इस 8 घंटे को कैसे डिवाइड करें, तो दोस्तों इस 8 घंटे को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम स्लॉट हो गया हमारा 2 घंटे का, दूसरा टाइम स्लॉट भी हमारा 2 घंटे का, तीसरा टाइम स्लॉट भी हमारा 2 घंटे का और चौथा टाइम स्लॉट भी हमारा 2 घंटे का। यानी कि आपको इन 8 घंटे में दिन में 4 बार प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि दिन में 8 घंटा पढ़ना है तो आप लगातार 8 घंटा पढ़े ही जा रहे हो, नहीं, आपको पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिपरेशन करनी है। तो भाई इन 8 घंटे को इन 4 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे के, आप देखोगे ये हमारे 8 घंटा हो गए, आप दिन में 8 घंटा प्रिपरेशन कर पाओगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, आपका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको किसी टीचर की हेल्प लगेगी, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लगेगी, या फिर आपको किसी लेक्चर या फिर किसी क्लास की हेल्प लगेगी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरा सिलेबस तो कवर हो रखा है, मैंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, मैंने पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, बस मुझे तो एडवांस लेवल पर पहुंचना है, एक जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए भी स्ट्रेटजी का टाइम टेबल है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी की हेल्प लगेगी, तो आप थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करिएगा, 2 से ज्यादा या फिर 2 से कम सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया कि आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करूंगा, साथ ही मैं जनरल अवेयरनेस का कोई चैप्टर कवर करूंगा, क्लियर है। बात करते फर्स्ट टाइम स्लॉट की, फर्स्ट टाइम स्लॉट में आपको क्या करना है, पहला टाइम स्लॉट आपका 2 आवर का रहने वाला है और ये टाइम स्लॉट आपका मॉर्निंग के टाइम पे रहेगा, तो इस 2 आवर को भी आपको एक एक घंटे के 2 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है, जिसमें से एक हो जाएगा हमारा मॉर्निंग में 8 से 9 बजे, दूसरा हो जाएगा मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे। अब इस टाइम स्लॉट में करना क्या है, क्लियर है, समझ गए। अगर आप बिगिनर हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर्स की, क्लासेस की जरूरत पड़ रही है, तो आपको इस टाइम स्लॉट को फॉलो करना है, इस स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्लियर है। देखिए, आपने डिसाइड किया था 2 सब्जेक्ट पढ़ना, कि आज मैं पूरा दिन क्वांट्स पढ़ूंगा और पूरा दिन मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, क्लियर है। तो जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो चैप्टर खोल के बैठ जाइए, उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर शिफ्ट हो जाइए, ठीक है, टाइम भी बचता है और आप अच्छे सीख पाते हो, ठीक है, आप फालतू का भी नहीं पढ़ पाते हो कुछ, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 1 घंटा आपको देना है, जिस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो। मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी लेक्चर सर्च करिए यूट्यूब वगैरह के ऊपर और उस लेक्चर को देखिए, उससे रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा केवल 1 ही घंटे की ऑनलाइन क्लास लेनी है, ये 1 घंटा खत्म हो जाएगा, आपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड की 1 घंटे क्लास ली, उसके बाद 9 से 10 बजे का आपका टाइम शुरू होगा। आपने डिसाइड किया था कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ जनरल अवेयरनेस भी आज पढ़ूंगा, तो जनरल अवेयरनेस का जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो सर्च करके। मान के चलिए आप हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी इंडिया से रिलेटेड पढ़ोगे, तो उससे रिलेटेड आप ऑनलाइन लेक्चर ले लीजिए, उससे रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस चैप्टर का ओवरव्यू आप अच्छे से समझ जाओगे, क्लियर है। तो मॉर्निंग का फर्स्ट टाइम स्लॉट आपका खत्म हो जाएगा, जहां पर आपने दोनों ही सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले ली, इतना काम खत्म। 10 बजे तक आपने ये काम कर लिया, फिर 10 से 11 बात आती है, 1 घंटा आपको रेस्ट करना है, जो आपने क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह भी आप बना सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो, क्योंकि माइंड को भी चीजों को, डेटा को स्टोर करने का टाइम चाहिए होता है, ताकि उस चीज को वो अच्छे से एक्सेस कर सके, जो आपने कंज्यूम किया उसको अच्छे से वो प्रोसेस कर सके, क्लियर है। बात करते दूसरे टाइम स्लॉट की, ये भी आपका 2 घंटे का रहने वाला है, ये टाइम स्लॉट कोशिश करिएगा 11 से 1 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट को रखेगा। जो आपने 1 घंटे की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास ली थी, जो आपने लेक्चर में पढ़ा था, वही आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस खुद से पढ़ना है, लेकिन यहां पर आपको सेल्फ स्टडी करना है। वहां पर आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया था, जो क्लास में पढ़ा, जो लेक्चर में पढ़ा,
उससे रिलेटेड आपको खुद बुक खोल के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एग्जांपल्स आपको सोल्व करने हैं, खुद आपको पढ़ना है। कौन से बुक से मैं पढ़ना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 घंटा डेडिकेटेडली आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सेल्फ स्टडी पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। 11 से 1 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। 11 के 1 बजे का जो टाइम होता है ना, काफी टायर्ड फील वाला होता है, जहां पर आपको टायर्डनेस होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ये लंच का भी टाइम होता है। तो 1 बजे के आप बाद लंच वगैरह कर सकते हो। फिर 2 घंटा, 1 से 3 की बारी आती है ना, तो 2 घंटा आपको रेस्ट कर लेना है, कोई पावर नैप वगैरह ले लेना है, क्योंकि दोबारा से जब आप पढ़ो आपके माइंड के ऊपर कोई भी थकान नहीं रहनी चाहिए, आप बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं तीसरे टाइम स्लॉट की, जो कि आपका अगेन 2 घंटे का रहेगा, जो कि 3 से 5 का रखिएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ने डिसाइड किए थे, एक क्वांट्स पढ़ना डिसाइड किया था, एक जीएस पढ़ना डिसाइड किया था। क्वांट्स आपका क्लियर हो गया, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो 3 से 5 के टाइम स्लॉट में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, और अगेन आपको जनरल अवेयरनेस को सेल्फ स्टडी करना है। जो मॉर्निंग में आपके 9 से 10 जनरल अवेयरनेस पढ़ा था, जिससे रिलेटेड आपने लेक्चर लिया था, जो लेक्चर में पढ़ा आपने, जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, वही आपको सेल्फ स्टडी करना है। 2 घंटा डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करिए, बुक से थ्योरेटिकल पढ़िए। बुक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ल्यूसेंट या फिर हमारी वे टू सक्सेस की बुक आप पढ़ सकते हो। जब आप थ्योरेटिकल पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, चाहे उसमें 1 दिन लगे या फिर 2 दिन लगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जो कंपाइलेशन मैंने आपको रिकमेंड करा है एसएससी का, किरण पब्लिकेशन का, टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्लियर है। मैथ्स का तो आप कर लोगे, क्योंकि एक ही बुक मैंने आपको रिकमेंड करी है, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, किरण पब्लिकेशन वाली बुक से करते हुए चलना है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में पहले आपने लेक्चर देखा, उसके बाद ल्यूसेंट जैसी बुक से आपको थ्योरेटिकल खुद से बुक से स्टोरी की तरह पढ़ना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको एसएससी का कंपाइलेशन पढ़ना है किरण वाली बुक से, क्लियर है। चाहे उसमें आपके 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, आपको ये टाइम स्लॉट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये टाइम स्लॉट हमारा खत्म होता है, बारी आती है चौथे टाइम स्लॉट की, जो कि अगेन 2 आवर का आपका रहने वाला है, ठीक है। ये टाइम स्लॉट हमारा 8 से 10 बजे का रहने वाला है, ये भी हमारा 2 घंटे का है। 5 से 8 यानी कि 3 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं, बाहर माइंड फ्रेश करने के लिए इन्वायरमेंट में बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा हैंग आउट कर सकते हैं, टीवी वगैरह फिर मोबाइल वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने दिन भर 6 घंटा पढ़ा उसको भी प्रोसेस होने का टाइम दीजिए, क्लियर है। तो प्रॉपर यहां पर डिनर वगैरह करके 12 से 8 बजे आप बैठ जाइए पढ़ने। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सोल्व 1 प्रीवियस ईयर, यहां पर आपको जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान के चलिए आपका टारगेट है एसएससी सीजीएल 2023, तो जो सीजीएल 2022 एग्जाम हुआ था उसकी किसी एक शिफ्ट को उठा लीजिए, गूगल पर मिल जाएंगे, गूगल कर लीजिएगा, आपको आंसर की के साथ मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आपको एक शिफ्ट को प्रॉपर सोल्व करना है 2 घंटे में, 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर आपको सोल्व करने, मोबाइल फोन के अंदर टाइमर लगा लीजिए और 100 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए, और ये 100 क्वेश्चन वो होंगे जो कि 2022 एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो 1 घंटा आपके पास होगा, 1 घंटे में सोल्व करें। फिर दूसरा जो घंटा होगा ना, उसमें आपको चेकआउट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, कहां कहां कमियां हैं, वीक पॉइंट्स क्या है, उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। ये देखना है कौन से सब्जेक्ट के अंदर से आप वीक रह रहे हो, आपका लेवल क्या है, इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डेली आपको सेल्फ स्टडी करना है, यह भी आपको खुद से सोल्व करना है, बिना आंसर देखे, बिना सोल्यूशन देखे। तो आपके 4 टाइम स्लॉट आ गए। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, ये जो टाइम टेबल है ना, ये मंडे टू फ्राइडे है, यानी कि 5 दिन का टाइम टेबल है, ठीक है। 4 महीने तक आपको 5 दिन तक इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। बात रही सैटरडे संडे, उस दिन क्या करना है, ये भी सोच रहे होंगे कि भैया आपने वोकैबुलरी नहीं बताई, कैसे पढ़ना है, आपने मॉक नहीं बताया, और ना ही भैया आपने करंट अफेयर बताया, आगे बता रहा हूं, पहले इसे देख लीजिए अच्छे। मंडे से फ्राइडे तक आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जैसे ही फ्रेंड्स मान के चले यहां पर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, डेली 2 घंटा क्वांट को दे रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है 1 दिन में 2 घंटे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 1 चैप्टर तो खत्म होने से रहा, उस चैप्टर को खत्म होने में 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं होता, मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ रहे हो और प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते पढ़ते 5 दिन हो गए, क्योंकि आप 2 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 1 घंटा आप लेक्चर ले रहे हो, 5 दिन भले ही लग जाएं, जब तक पूरा चैप्टर अच्छे से कवर नहीं हो जाता तब तक आपको इस सब्जेक्ट की जगह दूसरा सब्जेक्ट स्विच नहीं करना।
जैसे ही एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के खत्म कर लो क्वांट्स का, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट यहां पर स्विच कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लेकर आ सकते हो। फिर ऐसे ही आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, एक घंटा इंग्लिश की क्लास लेनी है, फिर दूसरे टाइम स्लॉट में जो आपने क्लास में पढ़ा इंग्लिश का उसी पर्टिकुलर मतलब चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। और पहले कॉन्सेप्चुअल वाली बुक से पढ़िएगा, बक्सी मैंने आपको बताई, और उसके बाद प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, उनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा विद सॉल्यूशन। ऐसे आपको पढ़ते हुए चलना है। जब इंग्लिश का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, दोबारा से आप यहां पर क्वांट्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये गैप देना जरूरी है, क्योंकि 5-6 दिन लगातार आप क्वांट्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा गैप भी चाहिए ताकि माइंड चीजों को मतलब प्रोसेस कर सके। इसलिए क्वांट्स की जगह मैंने आपको बोला कि जब एक चैप्टर खत्म हो जाए तो आप यहां पर इंग्लिश ले आइए, जब इंग्लिश का एक चैप्टर खत्म हो जाए उसकी जगह फिर क्वांट्स ले आइए। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का जब एक सेक्शन, जब एक चैप्टर खत्म हो जाए उसकी जगह आप जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग ले आइए, रीजनिंग के जब एक चैप्टर खत्म हो जाए उसकी जगह आप दूसरा सब्जेक्ट ले आए। तो ऐसे आप बिल्कुल 4 महीने के अंदर, 120 दिन के अंदर चारों ही सब्जेक्ट का डिटेल से सिलेबस कवर कर पाओगे, यानी कि चारों ही सब्जेक्ट आपका बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये तो था बिगनर वालों के लिए, यानी कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको लेक्चर वगैरह देखने की जरूरत पड़ती है। अब फाइनली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहले काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, जिनको लगता है कि मेरा सिलेबस तो अच्छे से कवर है और मुझे किसी ऑनलाइन क्लास या फिर लेक्चर भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, मुझे तो सेल्फ स्टडी करके एडवांस लेवल तक खुद को ले जाना है, तो आपका टाइम टेबल और स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स आपको भी डेली दिन में 8 घंटा प्रिपरेशन करनी है, उन 8 घंटों को ऐसे ही सेम टू सेम 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लेना है, 2-2 घंटे के। बस डिफरेंस ये रहेगा कि आपको फर्स्ट टाइम स्लॉट में बिगनर स्टूडेंट्स की तरह कोई भी ऑनलाइन लेक्चर या फिर क्लास नहीं लेनी, ना ही आपको पहला टाइम स्लॉट 2 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका पहला टाइम स्लॉट 2 आवर का रहेगा, मॉर्निंग में 8 से 10 बजे आपका यह टाइम स्लॉट रहने वाला है, जहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान के चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, कोशिश करिएगा मॉर्निंग के टाइम पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़िएगा या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा जो कि आपको टफ लगता हो, जो कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर माइंड एकदम रेडी होता है, माइंड फ्रेश होता है। इसलिए जो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है ना मॉर्निंग के टाइम पर, फर्स्ट टाइम स्लॉट में उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो भाई जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उनको मॉर्निंग 8 से 10 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लेना है, सेल्फ स्टडी आपको करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन के ऊपर आपको फोकस करना है, किरण वाली बुक आपको बता चुका हूं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन टाइप वाइज प्रिपरेशन करते हुए चलिए खुद ही, क्लियर है। दूसरे टाइम स्लॉट में आपको क्या करना है, 2 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, 11 से 1 का रहेगा, 10 से 11 रेस्ट करिएगा, माइंड को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, थोड़ा सा टहल लीजिएगा, पानी वगैरह पी लीजिएगा। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की बारी आती है जनरल अवेयरनेस, आपको भी एक ही दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, एक आपने क्वांट्स कर लिया 2 घंटा, दूसरा आप मान के चलिए जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं या फिर इसकी जगह आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको भी सेल्फ स्टडी करनी है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर डिसाइड कर लीजिए, और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उनको एक और बेनिफिट मिल जाता है, उनको केवल वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, उनको वीक टॉपिक वीक चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। जो चैप्टर ऐसे हैं सब्जेक्ट वाइज जिनमें आप सबसे वीक हो, उन सभी चैप्टर को, उन सभी टॉपिक्स को अलग निकाल लीजिए और पहले इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेगा, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको पढ़ के दोबारा से टाइम वेस्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हुए चले, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि इसकी कैलकुलेशन टफ है इसमें मैं उलझ सकता हूं, उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चले, बाकी जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको सोल्व करके टाइम वेस्ट ना करें। यह एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए टिप है। तो भाई दूसरे टाइम स्लॉट में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, जो टॉपिक वीक हो उसको बिंदास पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए उससे रिलेटेड बिंदास बुक से पढ़िए, बता चुका हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ल्यूशन या फिर वे टू सक्सेस की बुक है, ये प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन पढ़ने के लिए आपको किरण की बुक बता चुका हूं, साथ ही हमारी जो क्रांतिकारी बुक है वो बता चुका हूं, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। थर्ड टाइम स्लॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है, ये हमारा 3 से 5 बजे तक रहेगा शाम को, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, मतलब आपने डिसाइड किया कि आज मैं मैथ और जीएस पढ़ रहा हूं, तो मैथ और जीएस में से जो आपका वीक है, मान के चलिए आपको क्वांट्स जो मैथमेटिक्स है वो आपको वीक लगता है कि यार ये मेरा वीक है, तो आपको दोबारा से तीसरे टाइम स्लॉट में वही सब्जेक्ट पढ़ना है, वीक सब्जेक्ट को आपको दोबारा से टाइम देना है, ठीक है। आपको लगता है कि
मेरा क्वांट्स वीक है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल अवेयरनेस, तो आपको दोबारा से तीसरे टाइम स्लॉट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही पढ़ना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो सब्जेक्ट वीक है, जिसमें आप वीक हो, जो टफ है या फिर जो लेंथी है, उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप दिन में 4 घंटे दे चुके होंगे, क्योंकि 2 घंटा आपने पहले पढ़ लिया और फिर 2 घंटा आप दूसरे टाइम स्लॉट में उसको पढ़ रहे हो। क्लियर है? यहां पर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। चौथे टाइम स्लॉट में सेम आपको करना है, 2 घंटे का रहेगा, रात में 8 से 10 रहेगा, और इसमें आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सीएचएसएल की कर रहे हो तो 2022 या फिर 21 सीएचएसएल एग्जाम की एक शिफ्ट को सोल्व करिएगा। 2 घंटे आपके पास होती हैं, 1 घंटा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं, उसको फिर चेक करिए 1 घंटा कहां कहां पर गलतियां रही हैं, कहां कहां पर कमियां रही है, कहां कहां पर आप वीक पड़े हो, तो अपनी कमियों को निकालिए और साथ ही साथ उनके ऊपर काम करते हुए चलिएगा। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सोल्व करने का यह भी फायदा रहेगा कि आपके माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाएगा, आपके माइंड को पता चलता चला जाएगा कि भाई सीएचएसएल का एग्जाम रियल टाइम में ये था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली समझ लेगा और उसी वे में चलने लग जाएगा। जिस टाइप की प्रिपरेशन की जरूरत है ना, उसी दिशा में आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप रियल एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काम आपको रेगुलर बेसिस पर डेली करना है, नोट्स वगैरह बनाते हुए चलना है। तो भाई ये टाइम टेबल भी मंडे टू फ्राइडे है। अब फाइन और जो सब्जेक्ट का स्विच है ना, वो वही है, किस तरीके से सब्जेक्ट को स्विच करना है वही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जब एक सब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, एक चैप्टर एक टॉपिक खत्म हो जाए, चाहे उसमें 1 दिन लगे 2 दिन लगे 3 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक किसी एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के आप अच्छे से खत्म नहीं कर लेते, तब तक आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। जैसे एक सब्जेक्ट एक चैप्टर खत्म हो जाए, उसकी जगह आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो, इसकी जगह आप रीजनिंग लेकर आ सकते हो। जीएस का जब एक चैप्टर एक सेक्शन कवर हो जाए, उसकी जगह आप दूसरा सब्जेक्ट लेकर आ सकते हो, इंग्लिश वगैरह। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट स्विच करते हुए चलना है, एक दिन में 2 ही आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भाई सैटरडे संडे में क्या करना है। देखिए दोस्तों, सैटरडे में क्या करना है, सैटरडे में आपको एक मॉक टेस्ट लगाते हुए चलना है, और मॉक टेस्ट उस एग्जाम के लिए लगाना है जिस एग्जाम को आपने टारगेट बना रखा है, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट सीरीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑफलाइन परचेज कर लीजिएगा, कुछ डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको सैटरडे में एक तो मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, जो टाइमिंग एग्जाम में होती है उसी टाइमिंग को मोबाइल के अंदर सेट करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, फिर उसको चेक करिए क्या क्या कमियां रही है, सारी चीजों को आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है और उन कमियों को टाइम रहते दूर करते हुए चलना है। इनिशियल फेजेस में आपको केवल सैटरडे में, अगर आप शुरुआती फेज में हो, आप इन 4 महीनों को टारगेट करके 120 दिन को टारगेट करके प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, एग्जाम को अभी 4-5 महीने हैं, तो शुरुआत में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है केवल सैटरडे में, डेली मॉक टेस्ट लगाते हुए नहीं चलना, क्लियर है। साथ ही आपको वीकली रिवीजन भी सैटरडे में करना है, जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, 5 दिन आपने पढ़ा, 2 सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करते हुए चल रहे थे, जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, वो सभी आपको रिवाइज करते हुए चलना है, जो आप नोट्स वगैरह बनाते हुए चल रहे होंगे वो आपको रिवाइज करना है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो उसको भी आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो वीकली आपको रिवीजन करते हुए जरूर चलना है। बात करते हैं संडे को क्या करना है। संडे को आपको केवल करंट अफेयर को देना है, संडे का दिन 8 घंटा आपको डेडिकेटेडली करंट अफेयर पढ़ना है, ईयरली करंट अफेयर पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक है, साथ ही आपको मंथ वाइज भी करंट अफेयर पढ़ना है। एसएससी के एग्जाम्स में लास्ट 18 मंथ्स यानी कि लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो भाई महीनों को टारगेट कर लीजिए कि मैं जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के सभी करंट अफेयर पढ़ूंगा। तो पहले जनवरी 2022 को टारगेट करिए, उस महीने के करंट अफेयर पढ़िए, फिर फरवरी 2022 को टारगेट करिए, फिर मार्च 2022 के करंट अफेयर पढ़िए। तो ऐसे आपको मंथ वाइज करंट अफेयर कवर करते हुए चलना है। साथ ही आपको जो टॉपिक मैंने आपको बताया, चाहे वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो, डे हो, थीम हो, समिट्स हो, योजनाएं हो, वो सभी आपको कवर करते हुए चलनी है। क्लियर है? इतना हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। करंट अफेयर आपको डेली नहीं पढ़ना है,
करंट अफेयर आपको वीकली पढ़ना है। जब आप वीकली 8 घंटे करंट अफेयर को दे रहे हो तो करंट अफेयर के काफी बड़ा पोर्शन आप कवर कर लोगे। तो आपको संडे के दिन करंट अफेयर को देना है बिंदास, और वैसे भी लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की सुपरफास्ट मैराथन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके, 2022 से लेकर के अब तक के सभी करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिए हैं। एग्जाम से पहले ये मैराथन देख लीजिएगा, काम हो जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेली 10 मिनट्स करंट अफेयर रिविजन। देखिए दोस्तों, वीकली करंट अफेयर तो आप पढ़ते जा रहे हो, डेली आपको 10 मिनट जो आपने संडे में करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करना है। डेली आप 8 घंटा 4 टाइम स्लॉट में पढ़ रहे हो, अभी मैंने बताया। इन्हीं के साथ साथ आपको स्पेयर 10 मिनट भी निकालनी है, या फिर डेली सोने से पहले 10 मिनट जो आपने संडे में करंट अफेयर पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। क्लियर है? केवल रिवाइज करना है, क्योंकि आप संडे में काफी बड़ा पोर्शन कवर कर लोगे करंट अफेयर का। इसीलिए अगले संडे तक पूरे हफ्ते 6 के 6 दिन आपको रिवाइज करते हुए चलना है। 10 मिनट देनी है, केवल नजर मारनी है कि आपने क्या पढ़ा था संडे में। रिवाइज करना जरूरी है, कहीं आप भूल ना जाओ, ठीक है? फिर नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंथ को टारगेट कर लीजिए, किसी नेक्स्ट टॉपिक को टारगेट कर लीजिए, और फिर पूरे हफ्ते उस टॉपिक और उस मंथ के करंट अफेयर को रिवाइज करते चलिए। केवल 10 मिनट आपको देनी है। डेली 10-10 वोकैबुलरी प्रिपेयर, यानी कि फ्रेंड्स डेली आपको 10-10 वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करनी होती है। देखिए दोस्तों, आप इस अकॉर्डिंग चलते रहिए, लेकिन आपको आधा घंटा डेली निकालना पड़ेगा, यानी कि 8 घंटे से भी अलग 30 मिनट्स आपको निकालनी पड़ेगी, जहां पर आप हंसते खेलते गाते सोते बैठते घूमते टीवी देखते मोबाइल में देखते हुए 10-10 वोकैबुलरी भी आपको कवर करते हुए चलनी पड़ेगी, ठीक है? डेली नोट कर लीजिए, जैसे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने नोट कर लिया और उनको पढ़ लिया अच्छे से, साथ ही 10 idiom phrase आपने नोट करे और उनको पढ़ा, साथ ही 10 antonym, 10 synonym, 10 spelling test, 10-10 पढ़ने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स में डेली आप 10-10 करके चलोगे, ठीक है? 10-10 है, ठीक है? 10-10 अगर आप करोगे 120 दिन में आप 1200 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही अगर आप 10 कवर करोगे तो 120 दिन में आप 1200 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके होंगे। साथ ही 5 टॉपिक है हमारे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फेज, साथ ही स्पेलिंग टेस्ट। तो अगर 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6000, यानी कि 6000 वोकैबुलरी आप 120 दिन में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स इन इजी फॉर्म। यानी कि फ्रेंड, जैसे ही आप डेली प्रिपरेशन करते हुए चल रहे होंगे ना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, या फिर आप मॉक लगाते हुए चल रहे होंगे, या फिर आप हर संडे ईयरली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चल रहे होंगे, आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाते हुए चलना है इजी फॉर्म में, अपने अकॉर्डिंग आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। सब्जेक्ट वाइज ये नोट होने चाहिए, यानी कि अगर आपके 4-5 सेक्शंस है तो 5 नोटबुक आपके पास होनी चाहिए और उसमें नोट्स को मेंटेन करिए। नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, याद रखने वाली चीज होती है, उनको सिंपल लैंग्वेज में टॉपिक वाइज नोट डाउन करते हुए चलिएगा। डीप रिविजन 10 डेज बिफोर एग्जाम। जब एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बच जाए, मान के चलिए आप CGL एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बच जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तो आपको प्रिपरेशन अपनी छोड़ देनी है और आपने जो पूरा सिलेबस पढ़ा 4 महीने 5 महीने 3 महीने उसको 10 दिन में अच्छे से बहुत ही डीपली बहुत ही गहराई के साथ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिविजन मारना है। बिना रिविजन किए एग्जाम में बैठना बहुत बड़ा पाप होता है एक तरीके से, क्योंकि आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। जो आपने 3-4 महीने पढ़ा ना बिना रिविजन के, वो सभी बेकार हो जाता है। इसलिए एग्जाम से 10 दिन पहले नया पढ़ना छोड़ देना है और पूरे सिलेबस को डीपली रिवाइज करना है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। मेक अ स्मार्ट सिलेबस, कोशिश करिएगा एक स्मार्ट सिलेबस बनाने की। मतलब दोस्तों, SSC के डिफरेंट एग्जाम्स को एनालाइज करके, डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस को एनालाइज करके, खुद को एनालाइज करके, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज बुक्स को एनालाइज करके एक ऐसा स्मार्ट सिलेबस बना लीजिए जिसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया, फिर आपको कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए सिलेबस को दोबारा से कवर करने की जरूरत ना पड़े। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बहुत ही जल्द आपको एक स्मार्ट सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, यानी कि एक ऐसा सिलेबस होगा जिसको अगर आप एक बार कवर कर लेते हो, फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां, साथ ही फ्रेंड्स, एक और चीज यहां पर मैं ऐड कर देता हूं,
जो आप इनिशियल फेजेस में डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे थे ना, जब आपका एग्जाम आ जाए, मान के चलिए सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो और केवल 10 या फिर 15 डेज एग्जाम के लिए बच गए, एडमिट कार्ड अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो जब आप डीपली रिविजन करते हुए चल रहे होंगे, इसी के साथ साथ डेली आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देनी है। यहां तो आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा रहे थे इनिशियल फेज में, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाए, एग्जाम के लिए केवल 10-15 दिन बच जाए, तो डेली आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं उसी एग्जाम के लिए। और मॉक टेस्ट के लिए बुक्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए यार फ्लिपकार्ट अमेजोन किस लिए, सर्च करिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो भाई ये आपको फॉलो करने हैं। योर फ्रेंड, पूरी स्ट्रेटजी आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन यार इस स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर एक एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए शुरू से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, अब तो रिजल्ट देखने बाकी। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, मैं चीजों को अच्छे से एनालाइज ना कर पाया हूं, किसी चीज की कमी रह गई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।